ये देखें, वाह माशाल्लाह क्या रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा में। आज हम फेनी कस्टर्ड बना रहे हैं, जो कि रमज़ान में आपको पता है हर बेकरी वाले ने फेनी रखी होती है। पूरा साल तो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन रमज़ान के महीने में ये फेनियाँ बहुत शौक से लोग खाते हैं। तो आज हम इसका कस्टर्ड बना रहे हैं, फेनी कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने एक पाव फेनियाँ ली हैं और चीनी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली है। आप चाहें तो एक कप भी ले सकते हैं, मैंने एक कप से थोड़ी सी कम ली है। दूध मैंने आधा कप लिया है, एक लीटर दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, आधा कप अलग से मैंने लिया है। और इसमें हम 3 खाने के चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर जो है शामिल करके कस्टर्ड बनाएंगे। थोड़ा सा हमें पिस्ता चाहिए होगा बारीक कटा हुआ, और ये आप देख रहे हैं ये जैलियाँ, मुख्तलिफ कलर की जैलीज़ हैं जिसमें रेड, येलो और ऑरेंज कलर की हैं। आप चाहे तो एक ही कलर की ले सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ये दूध उबला हुआ है और ठंडा है, इसमें हम 3 खाने के चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे और इसको हम घोल लेंगे। जैसे ही दूध को उबाल आ जाए, चीनी डाल के हमने इसको मिक्स करना है पहले। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना और चम्मच चलाना है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना कस्टर्ड। जितना हमें लगेगा हम उतना उसमें छोड़ेंगे। चलिए, पूरे 3 खाने के चम्मच के करीब हमने डाल दिया है, इतना ठीक है। ये 1 मिनट हम पकाएंगे, फिर मैं चूल्हा बंद कर लूँगी। अच्छा, इसको हमने पका लिया है तकरीबन 1 मिनट, चूल्हा बंद कर दें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब हमने फेनियाँ जो है वो किसी आपने डिश में निकालनी है, लेकिन हमने इसको करना है थोड़ा सा चूरा, ये इस तरह करके। और कस्टर्ड हमने ठंडा कर लिया है, फ्रिज में ठंडा नहीं किया, ऐसे ही ठंडा किया, ठीक है। इसको हमने इस तरह फैलाना है। ये देखिए, और इसके बाद हमने डालना है कस्टर्ड। कस्टर्ड गर्म होगा तो ये जो इसका टेस्ट है ना, ये इतना अच्छा नहीं आएगा फेनी का, ये क्रंची बन जाए ना, इसका ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपने गर्म कस्टर्ड नहीं डालना। थोड़ा सा मैंने इसको नॉर्मल किया कस्टर्ड को, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही थी कि गाढ़ा कस्टर्ड नहीं डालिएगा। वो ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है जो कि ईद पर बनेगी ना, तो आपको आपके घर वाले आपको बोलेंगे आपने बनाया क्या है इतना मज़े का, ठीक है। अब हमने एक लेयर जो है वो जेली की डाल देनी है। जेली आप अपनी मर्ज़ी से एक ही कलर की भी ले सकते हैं और 2 कलर की भी ले सकते हैं। अब फिर आपने फेनी की, ये देखिए, वाह माशाल्लाह क्या रेसिपी है। देसी घी की बनी हुई फेनियाँ हो फिर तो ताकत ही ताकत, ठीक है। ये तो हो गया एक लेयर, फिर हमने फेनी की डाल दी और
बहुत से लोगों को इतना शौक होता है कि खरीद के रख लेते हैं कि ऐ तो ईद तो बाद नज़र आनी है नहीं, तो एनू खाते खाते रहेंगे ना रम के रम के लिए, एनू एनू तो एक साइड पर रखिए। चलो जी, अब हमने फिर डालना है कस्टर्ड, ठीक है। बड़ा मज़ेदी लग रही है, क्रंची क्रंची है ना। सही तरह स्पैचुला से हमने इसको साफ कर लिया है बर्तन को, ये देखिए। अब डालनी है हमने जेली, तारी तो बाद ना अटैक कर देना है ना सारे घर वाले ने। ये देखिए मैंने ईद की रेसिपी ईद से पहले बना दी है, अब हम ईद पर क्या बनाएंगे आपको पता है? किसी को नहीं पता, हम सिर्फ वीडियो करके दिखाएंगे ना। हम ईद पर बनाएंगे अपनी जो रेसिपीज मेरी पुरानी पुरानी है उसी को घर वालों के लिए बनाएंगे, आपके लिए न्यू और उन लोगों के लिए वही। कोई खीर वगैरह बन जाएगी, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपको पहले से दे चुकी हूँ रेसिपी। देखिए कितने ज़बरदस्त एक रेसिपी बन गई है, वाओ। नीचे क्यों नहीं पा रही, थोड़ी सारी फेनी ना पादा आविष्कार पादे ज़रा सारी है ना, बिल्कुल थोड़ी सारी है ना, बिल्कुल कोई खूबसूरती जी लगे फूल दी तरह ना। हाँ नहीं असल जी मैं ना पिस्ते की भी जगह रख रही सा, तू तो इतों की हट जा और थोड़ा सा पिस्ता। ये देखिए ये बन गई हमारी ज़बरदस्त सी फेनी कस्टर्ड रेसिपी, ठीक है। अब आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है, मेहनत तो मैंने कर ली, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है, तो ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।